टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी, लेकिन इसके बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रोहित शर्मा अपनी टीम की इस खास गलती पर बेहद परेशान है और रोहित ने कहा कि हमने इसे ठीक नहीं किया तो अगले मैचों में और परेशानी हो सकती है। कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि टीम को अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा। मैच के बाद बयान में रोहित ने कहा, हमारा प्रदर्शन शानदार था, इस प्रदर्शन की हमसे उम्मीद थी। हमने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में अपनी गलतियों से सबक लिया। मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने योजना के मुताबिक काम किया। रोहित ने कहा, हमने अपना सामान्य प्रदर्शन करने की कोशिश की, हालांकि हमें कैच छोड़ने की गलतियां कम करनी होंगी। हमने हर मैच के साथ अपने क्षेत्र रक्षण में सुधार करना होगा। अगर हमने फील्डिंग में सुधार नहीं किया तो आगे के मैचों में मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय फील्डर्स ने कई कैच टपकाए। मैन ऑफ द मैच विजय शंकर के तो पहले ही ओवर में 3 कैच छूट गए, जिसमें कैच छोड़ने वाले खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल थे। वहीं सुरेश रैना ने भी एक आसान सा कैच शंकर के बॉल पर छोड़ा था, जबकि खुद विजय शंकर ने भी अपने ही बॉल पर एक कैच छोड़ा। हालांकि कैच काफी टफ था, मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह के कैच पकड़ने होते हैं। अगर टीम इंडिया इन कैच को पकड़ लेती तो बांग्लादेश की टीम 100 रन के अंदर भी ढेर हो सकती थी। ऐसे में रोहित शर्मा की चिंता बिल्कुल सही लगती है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। शिखर धवन की 55 रन की शानदार पारी के बाद भारत ने 4 विकेट गंवाकर 140 रन बनाए और 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।